वेलकम बैक टू माई चैनल बैनर्जी मंत्रा। रिएक्शन वीडियो कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। सपना का व्लॉग देखा, स्नैपी गर्ल सपना का, जब देखा तो आंसू नहीं थप रहे थे। इस बच्चे पे भगवान ने क्या ऐसा किया है, किस चीज़ की ऐसा वो दिन दिखा रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। दुखों का पहाड़ ऐसे ही टूट पड़ा है, एक नहीं दो दो बार टूट पड़ा है। उसके बाद भी इसके ज़िंदगी में शांति सुख है ही नहीं जैसे लग रहा है, जिस तरह से इसको ट्रीट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हर बेटी को अपने ससुराल में अपने माँ बाप की सम्मान की, इज्जत की रक्षा सुरक्षा करने का हक है, इस पर कोई दो राय नहीं है। हम अपने ससुराल जाते हैं, बेटियाँ अपने ससुराल जाती हैं, वहाँ पे अगर वो सब परिवार को इज्जत दे रही हैं तो इसके बदले में वो ये चाहती हैं कि उसके परिवार को भी उतनी ही इज्जत मिले। यही चीज़ सपना के साथ बुराई हो रही है, नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से उनके घर वालों को ट्रीट किया जा रहा है, आज सपना ने सारी असलियत बताई। अब सब कह सकते हैं सास की असलियत बताई, क्योंकि ससुर के लिए भी उन्होंने ये चीज़ कही लाइन में, दोनों को नहीं समेट सकते कि जब मैंने अपने घर वालों से अपनी माँ से बात करने को बंद कर दिया था, जब उनके भाई ने केक काटा था, तो उसके बाद पापा जी ने ही कहा कि कब तक गुस्सा करोगी, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, बात करना शुरू कर दो। तब उन्होंने फ़ोन किया था अपनी माँ को, तो ये नहीं कह सकते कि पूरे ससुराल, लेकिन आज उसने सास की इस चीज़ को सामने लाई। कहते हैं ना, जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जब माँ आई कोई बोलने तक नहीं आया, जब सुबह बताया कि मम्मी आ रही है तो मुंह बना लिया। भाई सपना को समझ में आ रहा है ना, इतने साल रह के कि किस तरह का कौन मुंह बना सकता है। उसके बाद जो है देखने बोलने तक नहीं आए, मतलब एक नमस्ते करने या कुछ भी नहीं आए। जो दो अलग से इनके परिवार वाले आते हैं तो सपना खाना बनाती है, आज ये बना ले आज वो बना ले। जो सुबह बैगन की सब्जी रोटी थी वही दो रोटी दोनों ने खाई। अब आप ये समझ सकते हैं इनके घर में क्या व्यवहार उसकी माँ के साथ किया। बेटी के ऊपर पहाड़ दुख का पहाड़ टूटा है तो क्या माँ अपने बेटी से मिलने भी नहीं जा सकती? उस पर रिवाजों का नाम दे दिया कि हमारा रिवाज नहीं है कि बहू की जो है घर से कोई आए। वही अगर देखा जाए तो सास के जो भाई हैं, अंशु के जो पिताजी हैं, जब राजवीर खत्म होते तीसरे दिन कहा था अंशु से कि वो इन लोग से कि चैनल का पासवर्ड और सब हमारे हाथ में दे दो, अब हम हैंडल कर लेंगे। वो तो भाई 20-25 साल की उम्र की है, 24-25 साल की उम्र की, कई भगभग गई, दूसरी शादी कर ली, तो इस तरह की चीज़ें बोली थी। देखा जाए तो जब उनको माफ़ कर दिया गया, जो कि माफ़ी के काबिल नहीं है, और मैं फिर से कहती हूँ अपने वीडियो के थ्रू कि सपना को माफ़ करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आज सब चीज़ उनकी वजह से उनकी तरफ कर रही है, सपना उनके लिए कर रही है। उसके बाद अगर ये सुनने को मिल रहा है तो माफ़ करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी सास ने आके कहा कि समय अब सबकी ज़रूरत है, सबको लेके चलना है, तो उनको माफ़ कर दिया गया। तो फिर इसके घर वालों को सिर्फ एक केक काटने के उससे माफ़ी क्यों नहीं? भाई गलती तो उनकी है ना ज़्यादा, इनकी तो है नहीं। अगर आप लोग ने आज सपने की वीडियो देखी तो काफ़ी कुछ खुलासे सपना ने किए कि जब अगर नियम नहीं है, कह दिया नियम नहीं है बहू के घर से आने वाले, तो सास के मैके से फिर क्यों आते हैं लोग? उस पर सपना आगे पीछे घूमती है। जिस मामा ने ऐसा कहा, चूँकि पिताजी ने, उनके परिवार से भी अभी लोग आए थे, तो सपना उसके आगे पीछे घूम रही थी, भले ही बात कम कर रही हो। भाई जो आता है हम लोग वीडियो पे देखते हैं ना, जो व्लॉग स्क्रिप्टेड तो होते नहीं इनके व्लॉग, जो हो रहा है वो शूट करके ये डालती है, दिखाती है। भाई माँ के पैर छू रही, सास के पैर छू रही, और सास पैर मुँह घुमा रही है, तो वो भी एक व्लॉग पे आया है। अगर कुछ सास ऐसे कर रही है, कह रही है, तो भी व्लॉग पे आ रहा है। तो इसको आप स्क्रिप्टेड भी नहीं कह सकते, झूठा भी नहीं कह सकते। आज तक इसने अपना मुंह नहीं खोला था, बस यही 2 या 3 वीडियो अभी राजवीर के बाद की बात है कि यह की गई है। बेटों का दुख है, बेटे का जाने का माँ का दुख बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो दो दो बार पति खो दी हो उसका दुख नहीं है, बच्चों के बाप नहीं है उसका दुख नहीं है। यह बच्चे बड़े होकर जब पूछेंगे मेरे पिताजी के लिए, ये इसके लिए, इसके लिए, तभी तब इसी को तो जवाब देना पड़ेगा। फिर जितना कमाती है, कहती है वीडियोज़ डेली हम वीडियोज़ बनाते हैं, प्रमोशन वीडियोज़ बनाते हैं, जो भी पैसा आता है उसमें भी इनके ससुर कह रहे थे यहाँ दे देना वहाँ दे देना, ये कर देती है। अब चाहे तो ये अपना पैसा नहीं कर सकती ना। अगर मान लीजिए पति ने भी इसको ये चैनल खुलवा के दिया था, तो वो पति था, कोई गैर तो था नहीं कि वो नहीं है तो उसका चैनल किसी कमाई कोई और ले ले। वो इसका है, उसको सेल्फ डिपेंडेंट इसके पति ने बनाया था, वो इसका पैसा, स्त्री धन कह सकते हैं आप कह सकते हैं, इसकी खुद की अर्निंग है। अगर आज सपना चाहे अलग रह के अपने दोनों बच्चों को पालने पोसने, तो और ज़्यादा बेहतर पाल पोस सकती है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती है, एजुकेशन दे सकती है, अच्छे से अच्छा खिला पिला सकती है, अच्छी परवरिश कर सकती है। लेकिन उसने अपना सुख नहीं देखा ना, वो इनके पास इनके जैसी रह रही है, ससुराल में सास के जैसे रह रही, जैसा वो लोग चाह रहे वैसा रह रही, जैसा वो चाह रहे पहन ओढ़ रही, जैसा वो चाह रहे वैसा कर रही है। और उसके बाद अगर उसके उसको इस तिरस्कार मिले, उसके बाद इसके परिवार को तिरस्कार मिले, तो एक बेटी का दुख सैलाब बन के किस तरह से बाहर निकल रहा है, भरना पड़ता है। देखिए
कहने को कड़वी होती है, लेकिन हम जो आज यहाँ कर रहे हैं उसको हमको यहीं भर के जाना पड़ेगा। किसी को इतना, दुखिया को इतना न सताओ कि उसके आंसू जो है वो बोल दे। कहते हैं ना वो चुप रहेगी, लेकिन भगवान नहीं चुप रहता है। अगर वो आंसू आज YouTube के सामने खुला है, सोशल मीडिया पे खुला है, अगर इस समय ये भगवान के पास जाके भगवान पकड़ के ये रो दे ना, तो फिर भगवान का न्याय बहुत तगड़ा होता है। और हो चुका है ना, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, जिनके दो दो बेटे चले गए हों, जवान बेटे चले गए हों, आप उनकी हालत भी समझ सकते हैं कि माँ है, पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, आज ये नौकरी, आज वो काम, आज ये काम, उसके बाद नहीं रहे तो उनका दुख देखिए है बड़ा, लेकिन कम सपना कभी दुख नहीं है। 25 साल की उम्र के अंदर उसने जो चीज़ देख ली है ना, भगवान किसी भी बेटी को ये दिन ना दिखाए। कहीं ना कहीं बातों से ये भी लगा कि शायद अंशु का भी बहुत कुछ इस समय सपोर्ट नहीं है, जिसे उसने कहा कि मैं करती हूँ प्यार तब अंशु करती है, गिव एंड टेक का मामला है। अगर मैं दो तरफा होता है, अगर वो प्यार ना कर रही होती तो अंशु इसको प्यार करती। सारी कमाई परिवार पर खर्चा हो रही है, अपने इनके अपने हिसाब से सपना चल नहीं रही है, इनके हिसाब से चल रही है, सब कुछ है, इनके परिवार वालों को सपना इतना वो कर रही है, उसके घर जाके इनके मैके मतलब सास के मैके में जाके भी है, सब जाके वहाँ पे करके व्यवहार बना के आ रही है, तो फिर इसके परिवार को इतना तिरस्कार क्यों दिया जा रहा है। हम लोग तो यही चाहते हैं भाई, हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई गलती का एहसास हो इनकी सास को, उनके परिवार के साथ अच्छे ताल्लुकात बने। आना जाना अपनी बेटी के पास जब मर्जी आइए, रहिए, अपनी बेटी को देखिए, सब कुछ करिए, क्योंकि आज अगर ये चीज़ सपना भाई जब तक बर्दाश्त हो रहा है बर्दाश्त कर रही हो, कल को सपना को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो मैके चली गई, तो इनकम से भी हाथ छूटेगा, बच्चों से भी जब ला पाएंगे या मिल पाएंगे तब मुलाकात होगी, और अकेले पड़ जाएंगे दोनों, क्या करेंगे। कुछ भी है, सुरज राजवीर नहीं है, लेकिन उनके बच्चे तो बुजुर्ग दंपत्ति के सामने घूम रहे हैं, दादा दादी के सामने घूम रहे हैं। आदमी कहते हैं ना, असल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है, तो अगर असल नहीं है तो उनको देख के गुजारा कर लेता है, लेकिन अगर सपना के साथ ज़्यादा आती हो गई, अत्य हो गई, तब वो क्या करेगी, कोई ना कोई स्टेप लेगी ना। साफ साफ आज उसने कहा है कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, मैं इस परिवार को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, मैं इस परिवार के लिए सब कुछ करूँगी। लेकिन कहते हैं ना, आप जब रोज किसी को सींग भोंको तो कब तक वो बर्दाश्त करेगा। कभी तो उसका परिवार खड़ा होगा, कभी तो उसकी बेटियां सपना की तरफ से खड़ी होंगी कि मेरी माँ के साथ ऐसा ना करो, हम नहीं रहेंगे। तब बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए कमेंट सेक्शन में बहुत लोग राय दे रहे हैं अलग हो जाओ, जो कि हमें नहीं लगता कि अभी सॉल्यूशन है। जो चीज़ अभी सुधर सकती है उसको अलग होके और बिगड़ेगी ही, सुधरेगी नहीं, तो अलग होने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि उनके पास भी बेटे नहीं हैं, बेटे दो दो बेटे के नाम पर, तुम अकेली बहू, सपना अकेली बहू, दो बच्चे हैं, तो अलग होना सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। जो सलाह दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे लगता है जो मेरी राय है कि वो गलत है। सलाह तो यही होनी चाहिए इनकी सास को कि भाई जो गलती हो गई, हो सकता है मन में कुछ हो, गुबार निकाल दिया जाए और दोनों परिवार एक दूसरे के साथ मिलके चले और स्ट्रांग बनाए सपना को, न कि आज सपना जिस तरह से फफक के फूट फूट के रो रही थी। जिनकी बेटियां हैं वो समझ सकती हैं बेटियों के आंसू माँ के दिल पे कैसे गुजरते हैं। बहुत से चैनल्स हैं जो अभी भी सपना को ट्रोल करने के लिए सोच रहे हैं, तो भाई रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि दुखियारी है, ट्रोल ना किया जाए। अगर मैं कभी किसी भी चैनल को, ट्रपला को ज़्यादा ट्रोल करते या गलत बोलते देखूंगी तो उसके खिलाफ मैं खुद खड़ी होंगी। बेटी जैसी है मेरी, मैं ज़रूर खड़ी होंगी, मैं नहीं उसको इस तरह से किसी को भी बोलने दे पाऊंगी, क्योंकि घर परिवार का मामला है, हम लोग नहीं हैं, हम लोग अनजान, हम लोग नहीं जा सकते, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर कोई कुछ कहेगा तो जरूर अगेंस्ट हम खड़े होंगे। सपना से आज हम कहेंगे, अगर मेरी वीडियो कभी भी अगर वो देख पाती है तो स्ट्रांग बनो, मत रो, और सिर्फ ये है कि देखो अगर तुम्हारी इन-लॉज अगर परिवार के तुम्हारे साथ मिलके चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलके चलते हैं तो बीच का रास्ता तुम्हीं को निकालना है, या तो बैठ के बातें करो और या फिर जो भी तुम्हारे दिल में आए उस पे चलो, जो कहते हैं ना ईश्वर जो रास्ता दिखाए उस पे चलो, किसी से डरने की किसी से उसकी ज़रूरत नहीं है, सेल्फ डिपेंड हो। जैसा अपने सपना में वीडियो पे कहा कि मैं खुद सेल्फ डिपेंड हूँ, कमा के दे ही रही हूँ, अपनी इनकम अपने बच्चे के लिए सिक्योर करना सीखो, क्योंकि वक्त ज़रूरत किसको क्या दिखाता है इसे तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो दिन भगवान ने दिखाया है क्या दिखाता है, इसलिए अपनी इनकम अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य बहुत ज़रूरी है।
तो आज की वीडियो आप लोग की क्या राय है इस मैटर पे जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अच्छा नहीं लग रहा था आज वीडियो देख के। सास को समझना चाहिए इस तरह की चीज़ें ना की जाए। एक बेटी के लिए जैसे उसको ससुराल का सम्मान प्यारा होता है, उसी तरह उसके मायके का सम्मान प्यारा होता है। दोनों के सम्मान में कहीं से भी कोई कमी आती है तो टूट जाती है। तो उस सपना को स्ट्रांग बनाना है, तोड़ना नहीं है। गरज इनकी भी है, सपना के ससुराल वालों की भी गरज है। अगर सपना है तो पैसा तो आ रहा है, बच्चे तो हैं सामने, करके सपना दे रही है, मुँह पे बैठ के बिस्तर पे बैठ के सपना दे रही है खाना, तो गरज उनकी भी है। अगर सपना को परिवार मिला है गरज है, तो ससुराल वालों की भी गरज है। उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। लाखों लोग, दसियों लाख लोग सपना को चाहते हैं, कोई भी सपना को रोता है नहीं, देखना चाहता है। चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा। लव यू ऑल, मिलते हैं।